कृषि कानून अगर 10 महीने पहले वापस लिया होता तो 700 किसानों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा केंद्र सरकार ने देना चाहिए, ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रवीण तोगाड़िया का, जो बुल्ढाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोल रहे थे। तोगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए 700 करोड़ की मदद देना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि उस दौरान अन्य धार्मिक मुद्दों को भी प्रवीण तोगड़िया ने उजागर किया। मैंने कहा 3 कृषि कानून वापस लेने का मैं स्वागत करता हूँ। मैं खुश हूँ कि कानून वापस हुए, पर मेरी खुशी अधूरी है, क्योंकि 10 महीने पहले यह कानून वापस लेते तो 700 किसानों के जान नहीं जाते और जो मरे हैं वह किसी के पति, भाई या बेटा है, वह जिंदे जागते मनुष्य थे, उनको बचाया होता तो अच्छा होता। दूसरी बात मैंने कही, महाराष्ट्र के 1 लाख बेटों को मारने वाला क्रूर अब्दाली का चित्र जिस संसद में अफगानिस्तान में लगा है, वह अहमद शाह अब्दाली का गुणगान करने के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया दिया, मानी हमारे बेटे को मारने वालों का गुणगान किया है। तो कम से कम मरने वाले 700 किसानों को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को भी सम्मान करो। हमारे बेटे को मारने वालों का सम्मान किया है न तो बुरा है, कम से कम हरेक किसान को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को सम्मान करो, यह मैंने कहा।